हेलो दोस्तों, नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम सिनेमैटिक्स लुक देते हैं वीडियो में, उसमें ऑडियो कैसे ऐड करते हैं, उसमें लर्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, स्लो मोशन कैसा देते हैं, सिनेमैटिक बार जो ऊपर और नीचे ब्लैक बॉर्डर होती है वो कैसा देते हैं, उसे हम एनामोर्फिक भी बोल सकते हैं, सिनेमैटिक बार भी बोल सकते हैं या फिर ब्लैक बॉर्डर भी बोल सकते हैं, जो कि आपने हॉलीवुड पिक्चर्स में बॉलीवुड पिक्चर्स में सभी में देखा होगा। तो ये क्या होता है, एक सिनेमैटिक लुक अच्छा इससे दिखता है वीडियो। तो आइए देखते हैं ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने अपने सिस्टम में Adobe Premiere Pro CC 2017 इंस्टॉल किया हुआ है और उसी में आज हम काम करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो तैयार कर रखा है जिसमें ऑडियो मिक्स वीडियो भी है और सिनेमैटिक बार भी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो उसी को हम फिर से कैसा बनाते हैं वो देखेंगे। तो पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ और फिर कैसा बनाते हैं उसको फिर वो देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं हम। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट ऑप्शन पे, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्ट। यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ आपको डबल क्लिक करना है और आपका डेटा जहाँ पर भी सेव है वहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, फुटेज पे रखा हुआ है। ये सारी वीडियो क्लिप्स यहाँ पर मेरी रखी हुई है, मैं इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ये सारी वीडियो क्लिप्स यहाँ पर आ गई है। अब हम एक एक वीडियो को जो है प्रीव्यू करके देख लेते हैं और मैं वही सीक्वेंस में बनाऊँगा जो कि आपको प्रीव्यू में दिखाया था। ये वीडियो मैंने सबसे लास्ट पर रखा था और ये वाला सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट पे रखा हुआ है। ओके, ये मैं इसे टाइमलाइन पे रखता हूँ, लेकिन मैं इतना लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता जो 13 सेकंड का है, 13 सेकंड का है। मैं यहाँ से जो है 20 से कट कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क इन और मार्क आउट, जिसकी शॉर्टकट है आए मार्क इन की और मार्क आउट की ओ की है, ओ बटन। तो यहाँ से मैं मार्क इन कर लेता हूँ इसे, या तो आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए या तो यहाँ से आइकॉन पे क्लिक करके यूज़ कीजिए, दोनों ही आसान है। और सिर्फ इतना ही वीडियो में इसका रखने वाला हूँ अभी यहाँ तक। तो यहाँ मैं ओ की प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से और इस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अभी ऑटोमेटिकली टाइमलाइन यहाँ पे शो हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, मैंने वीडियो रख दिया, स्पेस बटन दबाया मैंने यहाँ पे तो वीडियो स्टॉप हो गया, और कीबोर्ड से एंड की प्रेस करता हूँ तो ये एंडिंग पॉइंट पे आ जाता है हमारा कर्सर। हम नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो था गर्ल्स बैठी हुई कॉफ़ी पी रही थी, ये वाला है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ टाइमलाइन पे। ये सेकंड वीडियो भी ला लिया हमने। अब इसी तरह से मैं और बाकी के तीन वीडियो भी रख देता हूँ। Thank you.
दोस्तों इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लो मोशन बनाना चाहता हूँ, इसे स्लो करना चाहता हूँ। इसके लिए हमें इस वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके स्पीड पे चलना है हमें, स्पीड एंड ड्यूरेशन पे। यहाँ पर मैं 40 की स्पीड दे देता हूँ इस क्लिप्स को, और ये ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसके लिए मैं इसे थोड़ा कट कर देता हूँ अभी, बस इतने ही रखना है मुझे। तो यहाँ से सी बटन प्रेस करता हूँ, या फिर आप यहाँ से भी आइकॉन से रेजर टूल ले सकते हैं और इसे कट कर सकते हैं। अब इस तरफ का मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ इसे, नेक्स्ट वीडियो लेता हूँ। यहाँ से उठा लेता हूँ मैं यहाँ तक, और इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ टाइमलाइन पे। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पांचों वीडियो को जो है रख दिया है उठा के। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिनेमैटिक बार लगा देंगे, यानी कि ब्लैक बॉर्डर जो ऊपर और नीचे होती है वो। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू आइटम पे चलते हैं और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर आ गई है, इसे जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ वीडियो टाइमलाइन पे, और इसे लेंथ बढ़ा देना है इसकी जहाँ तक आपके वीडियो है। और अब हम चलते हैं इफ़ेक्ट पे, यहाँ जो है इफ़ेक्ट देख रहे हैं आप, और यहाँ पर सर्च करेंगे हम क्रॉप, CROP क्रॉप, ये रहा क्रॉप। इसे इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रैग कर देना है और ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे इफ़ेक्ट कंट्रोल पे, ये रहा इफ़ेक्ट कंट्रोल, और नीचे आ जाइए। ऊपर से हम 12% रख देंगे और बॉटम नीचे से हम 12% रख देंगे, तो यहाँ पर मैं 12 कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, और ऊपर से भी मैं 12 रख देता हूँ। तो ये जो है हमारी सिनेमैटिक बार बन गई, एनामोर्फिक भी हम जिसे बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो क्लिप्स को मैं थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ, तो ये जो है वीडियो क्लिप्स यहाँ रखी हुई है, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर चलेंगे हम मोशन पे और पोजीशन पे। जहाँ पर ये 540 दिखा रहा है मैं उसको नीचे ला लेता हूँ थोड़ा सा, यानी कि 600 के ऊपर बढ़ा देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया क्योंकि वीडियो यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही रखता हूँ 640 तक। ये अभी थोड़ी वीडियो सेटिंग हो गई, ये ठीक है बाकी, और ये भी ठीक है। इस वीडियो को भी मैं थोड़ा सा नीचे लाना चाहता हूँ क्योंकि फ्लावर्स जो है ऊपर से कट रहे थे थोड़ा सा, बाकी ये ठीक है। ओके, अभी ये सारी चीज़ें ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कलर लट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए उससे क्या होगा, कलर जो है हम कलर ग्रेडिंग, कलर सिनेमैटिक लुक आएगा, कलर चेंज हो जाएगा वीडियो का। तो अब चलते हैं हम कलर मेनू पे, कलर पे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बेसिक करेक्शन इनपुट लट्स, तो यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ, ये तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दी हुई है, और अगर हम दूसरी बना के इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करना है, या फोटोशॉप से बनाए हैं आपने, या फिर 3D लट्स क्रिएटर से लट्स बनाए हैं, तो आप यहाँ ब्राउज ऑप्शन में जाके उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है फोटोशॉप से बनाए हुए हैं और कुछ यहीं की जो है मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अपने फर्स्ट वीडियो क्लिप्स पे मैंने यही सॉफ्टवेयर से जो बनी हुई है 709 वाली जो लट्स है इसी को अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट क्लिप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से बेसिक करेक्शन पे यहाँ से इसे 709 वाली अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और सेकंड क्लिप पे मैंने जो अप्लाई किया हुआ है वह फोटोशॉप से बनाई हुई है, तो उसे मैं ब्राउज़ करता हूँ, और ये मैंने रखा हुआ है
अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये वाली अलर्ट्स जो है मैंने अप्लाई कर दिया, और तीसरी क्लिप्स पे मैंने जो बनाई हुई है वो सेम यही है जो हमने इसके पहले वाली क्लिप से अप्लाई किए हैं। और फिर चौथी क्लिप पे हमने बनाई हुई है फोटोशॉप से, जो यहाँ पर फ्लावर्स वाइट है और जो ग्रीन है वो थोड़ा येलो दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा उसे ग्रीन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर लास्ट क्लिप में आप देख सकते हैं बीच का सीन यहाँ पर दिखाया गया है, दो कपल्स चल रहे हैं वहाँ पे। तो इसके लिए मैंने कोई फोटोशॉप से नहीं बनाया है, इसमें सॉफ्टवेयर में ही जो है अलर्ट्स बनी हुई मुझे रेडीमेड मिल गई, तो मैंने यही से अप्लाई कर दिया है। फर्स्ट वाली ये जो दिख रही है आपको, ये मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हमने सारी अलर्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर दिए, और बहुत बढ़िया जो है हमें यहाँ पर कलर, और बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है हमारे वीडियो को कलर मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ऑडियो ऐड करना है नीचे में सारी वीडियो के नीचे। तो चलिए हम इन सारे वीडियो क्लिप्स को एक फोल्डर में डाल देते हैं, और पहले तो एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं वीडियोस के नाम पे, और इन सारे क्लिप्स को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर को भी डाल देता हूँ इसी में। अब हम साउंड इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा साउंड। अब देखते हैं फर्स्ट क्लिप पे हम साउंड कौन सा मैच होता है हमारा। तो ये हम साउंड अब प्रीव्यू करके देखते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं साउंड के ऊपर और यहाँ से प्ले कर लेते हैं। 9, ये तो बीच का साउंड है जो कि मुझे लास्ट में डालना है, तो इसे मैं उठा लेता हूँ और लास्ट में लास्ट वाली क्लिप के नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। और जहाँ तक मेरी वीडियो है वहाँ तक उसे रखता हूँ, बाकी मैं क्रॉप कर देता हूँ। फ्रेंड्स अभी हमें कलर का जो काम नहीं है, इसलिए हम वापस एडिटिंग पे आ जाते हैं यहाँ पे, और इस वीडियो को यहाँ से हम क्रॉप कर सॉरी ऑडियो को हम यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब हम फर्स्ट वाले वीडियो के लिए ऑडियो देखेंगे। हम फिर से प्रोजेक्ट पे चलते हैं जहाँ हमने ऑडियो रखी हुई है अपनी, और ये काफ़ी अच्छा एम्बिएंट साउंड है। हम फर्स्ट वाली वीडियो क्लिप्स के नीचे रख लेते हैं इसे, फर्स्ट और सेकंड दोनों में रख लेते हैं। ओके, जहाँ पर आपकी सेकंड वीडियो क्लिप्स एंड हो रही है वहाँ से हम इस ऑडियो को कट कर देते हैं और बाकी का हम डिलीट कर देते हैं। थर्ड में क्या है, एक फॉरेस्ट दिखा रहा है जहाँ पर गर्ल्स खड़ी हुई है अपनी ड्रेसेस देख रही है, तो उसके लिए ये साउंड हमने यहाँ पर। इस वीडियो क्लिप्स के नीचे ये हमने ला लिया है, और अब हम फर्स्ट ये जो क्लिप जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ से हम ऑडियो को कट लगा देते हैं अभी, और बाकी का जो बचा हुआ है उसे डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने वीडियो भी रख दिए, साउंड ऑडियो भी रख दिए हैं,
अब जो है हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं, लेकिन ये अभी रेंडिंग नहीं हुआ है, इस वजह से जो है वीडियो लटकेगा। तो हम इसे सबसे पहले रेंडिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ से मार्क इन कर लेता हूँ और मार्क आउट यहाँ तक हमारा वीडियो है, तो इसे मार्क आउट यहाँ तक कर लेते हैं और इंटर कर देना है आपको कीबोर्ड से, तो ये रेंडिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से फास्ट ही हो रहा है, बाकी इससे भी स्लो हो सकता है, आपकी मशीन अगर अच्छी फास्ट है तो और फास्ट हो सकता है। वैसे इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूँ तो i7 है और 1 TB हार्ड डिस्क है, स्पेसिगेट की 8 GB रैम है। चलिए मैं इसे थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ा देता हूँ, वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ और एंडिंग पॉइंट पे देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी वीडियो की रेंडिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे फुल स्क्रीन में प्रीव्यू करके देख सकते हैं और यह अभी लटकेगा भी नहीं, स्मूथली चलेगा। मैं इसे फुल स्क्रीन में करने जा रहा हूँ। ओके तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कैसे हम सिनेमैटिक लुक्स देते हैं अपने वीडियो क्लिप्स पे, रॉ मटेरियल हमारा जो है रॉ शॉट हम करते हैं उस पर कैसे हम सिनेमैटिक बार अप्लाई करते हैं, साउंड कैसा ऐड करते हैं, स्लो मोशन कैसा ऐड करते हैं, या फिर जो भी यानी और भी बहुत कुछ है हम आगे बताएंगे अभी। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी बताएंगे आपको कि लट्स कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में और कैसे उसे एक्सपोर्ट करते हैं, और अप्लाई करना तो आज हमने देख ही लिया। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्स अप देना ना भूलें, और आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप पे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।